जैन फैंस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर डिफेंस क्लास में। दोस्तों, आज के वीडियो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए एक नई गवर्नमेंट जॉब की जानकारी लेकर आए हैं, जो कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम की तरफ से जारी की गई है। तो आइए दोस्तों, स्टार्टिंग डेट जानते हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसेस जानते हैं, सिलेक्शन मोड जानते हैं दोस्तों। तो सभी डिटेल्स इस वीडियो में होने वाली साथियों, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहकर ही दोस्तों यहाँ पे, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो ये वैकेंसी दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पे ESIC यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने जारी किया है यहाँ पे, ठीक है, सभी स्टेट्स के लिए यहाँ पे। तो आइए शुरू करते हैं, जो कि आपका पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों, एग्ज़ाम का नाम है दो वेरियस पैरामेडिकल पोस्ट यहाँ पे, ओके। तो स्टार्टिंग डेट आप देख लेते हैं इसमें दोस्तों, स्टार्टिंग डेट जो है यहाँ पे आपका 1 अक्टूबर से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे दोस्तों, 1 अक्टूबर 2023 से फॉर्म फिलअप हो रहा है यहाँ पे। बात करते लास्ट डेट की इसकी, तो लास्ट डेट इसका 30 अक्टूबर है, ओके। बात करते फीस पेमेंट की यहाँ पर साथियों, तो फीस पेमेंट जो है आपका एस जनरल OBC EWS वालों के लिए यहाँ पर 250, ठीक है यहाँ पे, एंड ST SC कैंडिडेट्स के लिए 250, ओके, एंड फीमेल्स कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फीस पे करना पड़ेगा, ओके। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एग्ज़ाम डेट की, तो दोस्तों एज पर शेड्यूल होगा यहाँ पे, यानी कि अभी नहीं आया है, ओके। अब बात करते दोस्तों इसकी एज लिमिट और जॉब लोकेशन, तो जॉब लोकेशन दोस्तों ऑल ओवर इंडिया है, आप किसी भी स्टेट से हो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं एज लिमिट की, तो आपका कम से कम दोस्तों 18 वर्ष होना चाहिए यहाँ पे, मैक्सिमम से आपका दोस्तों 25 वर्ष से आपका 37 वर्ष, ठीक है यहाँ पे। अब बात करते कितना पोस्ट है साथियों इसमें, तो इसमें दोस्तों टोटल पोस्ट इसमें टोटल पोस्ट दोस्तों 1035 यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर, ठीक है। अब बात करें दोस्तों स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, तो आप देखते हैं दोस्तों सभी यहाँ पे, ठीक है। तमिलनाडु आप देख दोस्तों 56 पोस्ट हैं यहाँ पे, ठीक है। छत्तीसगढ़ कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 23 पोस्ट है, ओके। गुजरात वाले कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों 72 पोस्ट हैं यहाँ पे, ओके। जम्मू कश्मीर कैंडिडेट्स वालों के लिए यहाँ पे 9 पोस्ट, कर्नाटका में दोस्तों आपका 57 पोस्ट हैं, 57 पोस्ट यहाँ पे, ओके। महाराष्ट्र के लिए आपका 71 पोस्ट यहाँ पे, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे दोस्तों ओडिशा, तो ओडिशा के लिए आपका 28 पोस्ट है, उत्तराखंड के लिए आपका 9 पोस्ट, ठीक है। चंडीगढ़ रीजन के लिए आपका 3 पोस्ट है, ठीक है। पंजाब के लिए दोस्तों आपका 29 पोस्ट है, 29 यहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश के लिए दोस्तों 6 पोस्ट यहाँ पे, ठीक है। झारखंड के लिए आपका 17 पोस्ट है, केरला के लिए 12 पोस्ट है, एंड नॉर्थ ईस्ट के लिए दोस्तों आपका 10 पोस्ट दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं तेलंगाना की, तो इसमें दोस्तों 70 पोस्ट हैं इसमें, ओके। और वेस्ट बंगाल की आपके दिया हुए 42 पोस्ट ही इसमें देख सकते हैं आप। अब पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स भी देखते हैं साथ इसमें, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं दोस्तों 44 पोस्ट हैं यहाँ पे, ओके, ठीक है। डेंटल में आपके लिए देख सकते 2 पोस्ट यहाँ पे, और यहाँ पे ECG टेक्नीसियन के लिए 204 पोस्ट है, जीनियर रेडियो ग्राफर के लिए आपका 14 पोस्ट है, ओके। जूनियर मेडिकल के लिए दोस्तों लेबोरेटरी के लिए 13 पोस्ट दी गई इसमें। अब बात करते हैं मेडिकल रिकॉर्ड के लिए, असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट यहाँ पे, OT असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 5 पोस्ट है, ठीक है। और रेडियोग्राफर के लिए 4 पोस्ट है साथियों। यहाँ पे सोशल गाइड के लिए यहाँ पे दोस्तों 1 पोस्ट दी गई है। बिहार में दोस्तों आपका टोटल पोस्ट इसमें 64 पोस्ट दी गई, इसमें 64 पोस्ट हैं, जो कि आपको दोस्तों ऑटोमेटर के लिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 1 पोस्ट, ठीक है। डेंटल मैकेनिक 4 पोस्ट, ECG की टेक्नीशियन के लिए 4 पोस्ट, ओके। अब बात करते हैं जूनियर रेडियोग्राफर के लिए दोस्तों, इसमें 9 पोस्ट, ओके। जूनियर मेडिकल के दोस्तों 29 पोस्ट है, मेडिकल रेडियो असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट, OT असिस्टेंट के लिए 9 पोस्ट, एंड आपके रेडियोग्राफर के लिए 5 पोस्ट दी गई है। अब बात करते हैं दिल्ली NCR में दोस्तों आपका टोटल पोस्ट यहाँ पे 275 पोस्ट है, जो कि ऑटोमेटर के लिए यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 3 पोस्ट, ठीक है। डेंटल के लिए आपका 10 पोस्ट, एंड आपका ECG टेक्नीशियन के लिए 23 पोस्ट, जूनियर रेडियोग्राफर के लिए 38 पोस्ट, ठीक है। जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी के लिए दोस्तों 24 पोस्ट, OT असिस्टेंट के लिए 43 पोस्ट, 43, ओके। यहाँ पे देख सकते दोस्तों 43 है,
इसमें 91% ठीक है दोस्तों, यानी आयुर्वेदा ठीक है, एलोपी थी एंड आयुर्वेदा में आपका 11 पोस्ट है, होम्योपैथी में दोस्तों आपका 6 पोस्ट है ठीक है, रेडियोग्राफल की इसमें 10 पोस्ट दी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों सोशल गाइडेंस के लिए, तो इसमें दोस्तों आपको सोशल वर्क के लिए 16 पोस्ट दी गई हैं। मध्य प्रदेश में आपका कुल दोस्तों मध्य प्रदेश में 13 पोस्ट दी गए, जो कि आपकी डेंटल का है यहाँ पे 1 पोस्ट है ठीक है, जूनियर रेडियोग्राफर के लिए 7 पोस्ट यहाँ पे, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी के लिए 2 पोस्ट यहाँ पे, ओटी असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट ठीक है, होम्योपैथी के लिए दोस्तों 1 पोस्ट यहाँ पे ठीक है, रेडियोग्राफर के लिए 1 पोस्ट। अब बात करते हैं राजस्थान में दोस्तों 125 पोस्ट है यहाँ पे, तो ऑडियोमीटर आप ऑडियोमीटर के लिए देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 1 पोस्ट ठीक है, ईसीजी के लिए दोस्तों 6 पोस्ट है, जूनियर रेडियोग्राफर के लिए 29 पोस्ट 29 यहाँ पे, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी के लिए आपका 44 पोस्ट यहाँ पे, मेडिकल रेडियो असिस्टेंट के लिए 4 पोस्ट, ओटी असिस्टेंट के लिए 19 पोस्ट दी गई साथियों ठीक है। एलोपैथी के लिए दोस्तों 14 पोस्ट है, रेडियोग्राफर के लिए 4 पोस्ट है साथियों यहाँ पे, मेडिकल गार्डियन के लिए दोस्तों आपका आप देख सकते हैं 4 पोस्ट दी गई है। अब बात करते हो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो एजुकेशन दोस्तों आपको सिंपल 12वीं पास ठीक है, प्लस में आपको दोस्तों कोई भी आप डिप्लोमा या सर्टिफिकेट या डिग्री कोई भी हो इस पर अप्लाई कर सकते हैं साथियों ओके। अब बात करते हैं इसका हाउ टू अप्लाई, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों, आपके जाकर रजिस्टर कर सकते हैं वहाँ पे। और बात करते हैं दोस्तों मोड ऑफ सिलेक्शन का, तो सिलेक्शन आपका दोस्तों रिटर्न एग्ज़ाम होगा ठीक है, उसके बाद आपकी मेरिट लगेगी ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रही पूरी वैकेंसी डिटेल दोस्तों ठीक है फ्रेंड्स, तो जितना हो सके अपने साथियों तक ज़रूर शेयर करें यहाँ पे दोस्तों, ऐसी इंफॉर्मेटिव गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ दोस्तों एक बार फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।